हेलो फ्रेंड्स, टेक एंड फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। ऑलरेडी मार्केट गाइस क्लोज्ड हो चुके हैं, मैंने लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट दो दिन की रिजल्ट भी दिखाऊंगा एंड साथ ही साथ गाइस मैं अगले दिन के लिए बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स रहेगा और कहां पे आप एंट्री ले सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। गाइस देखिए, आज की जो सेशन था बिल्कुल गाइस यहां पे 22,500 को जैसे ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे फॉल देखने को मिला 22,000 से। एक इम्पोर्टेंट जो रेंज है उनकी वहां पे सपोर्ट ली और फिर थोड़ा रिकवरी देखने को मिला एंड 22,176। तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट बन रहा है कल के लिए वो है 22,000 या फिर 21,900। तो सिंपल देखिए, मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल मूवमेंट को किस तरह बुक कर सकते हो, ठीक है। गाइस देखिए, आज की जो मार्केट है यहाँ पे इस तरह लास्ट दो कैंडल अगर नेगेटिव बन जाते हैं या फिर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, बिल्कुल यहाँ पे 5 मिनट के बाद आप सिंपल पोजीशंस बना सकते हो। देखिए गाइस, आपको इंट्राडे में किस तरह मूवमेंट को बुक करना है, स्मॉल प्रॉफिट बुक करना है वो आना चाहिए या फिर अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल करके ट्रेडिंग करना आना चाहिए। मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में उस तरह की मूवमेंट बुक करने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं। आज देखिए, जो मार्केट था ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव था और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 22,500 को ब्रेक किया और देन यहां पे फॉल देखने को मिला। आपको शुरुआत में ट्रेड कहां पे लेना है, किस तरह लेना है, गाइस देखिए मैं हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ऑर्डर प्लेस करने की सजेशंस देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, ओके, और फिर देखिए एक बड़ा कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल है, ओके। तो आपको क्या करना है, फिर इस पोजीशंस में आप अगर है तो आपको सिंपल ये जो लो है ना यहाँ पे जब ब्रेक करे तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल टुडे जो हाई है वहां पे आप मेंटेन करके रखना है। तो एक बार अगर आपको हिट हो जाए स्टॉप लॉस या फिर आपका जो डेज एक दिन का एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए कि अगर मुझे 20,000 या फिर 30,000 40,000 लॉस हो जाए तो उस दिन हम ट्रेड नहीं लेंगे, नया पोजीशंस नहीं बनाएंगे। इस तरह डिसिप्लिन से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पोजीशंस बनाया ब्रेक और फिर देखिए ब्रेक डाउन ली और फिर यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया तो आप अपना यहाँ पे देखिए लो बनाया। आप चाहे तो इस पोजीशंस में आके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो या फिर इस पोजीशंस के थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल भी कर सकते हो। तो इस तरह आपको पोजीशंस बनाना है और या फिर स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके आप लॉन्ग प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ओके। और साथ ही साथ गाइस आपको ऑप्शन चेन को भी देखना चाहिए। ऑप्शन चेन में भी आपको अच्छी तरह यहाँ पे दिखेगा कॉल राइटर या फिर पुट राइटर की मूवमेंट कहाँ पे हो रहे, वॉल्यूम कहाँ पे गेन होता हुआ दिख रहा है। देखिए कॉल राइटर यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन में 8,09,000 एक्युमुलेट जो ओपन इंटरेस्ट है 8,09,000, तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ओके। कल के लिए भी है, अगर बात करें कल के लिए तो कल आपको क्या करना होगा, कल आप यहाँ पे 22,500 के आसपास जब ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करे, मतलब 22,600 या फिर 650, तभी आपको वहां पे बाय करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए। अदरवाइज 22,400 के आसपास मिले तो तब आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो, बिल्कुल 22,550 स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। ओनली 75 पॉइंट की स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो 22,400 के आसपास, ओके। लेकिन अगर कल निफ्टी डाउन की तरह मूवमेंट दे तो सपोर्ट की बात करें तो 22,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर 22,000 को भी ब्रेक कर दे तो बिल्कुल आप 21,900 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 21,900 और 22,000 के आसपास आप पोजीशंस बना सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस और स्टॉप लॉस रहेगा 75 पॉइंट की, ओके। यहाँ पे आप एक बार लॉन्ग पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं और एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए उसके बाद आप शॉर्ट पोजीशंस भी बना सकते हैं 22,050 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के, ओके। तो गाइस यहाँ पे मैंने शॉर्ट स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, तो आप अपना प्रॉफिट भी उस तरह बुक कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस को ट्रायल करके आप अपना पोजीशंस को जारी रख सकते हो। तो ये था कल के लिए क्या करना है वो मैंने बता दिया। आज की जो रिजल्ट है गाइस, देखिए मैंने ज्यादा पोजीशंस नहीं बना पाया, घर का काम चल रहा है गाइस वहां पे थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए गाइस मैंने पोजीशंस नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पे मेरे जो प्राइम टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए थे। देखिए सेल बैंक निफ्टी ऑलरेडी 5,500 में ही सेल कर देना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने पोजीशंस बनाने की सलाह दी एंड यहाँ पे देखिए बहुत टारगेट हिट हुआ है एंड सेंचुरी टेक्स जुलाई फ्यूचर्स का भी यहाँ पे बहुत टारगेट 302 एंड 305 यहाँ पे भी टारगेट हिट हो चुका है, ओके। तो
तो आप अगर यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्राइम में, तो आप सिंपल हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हो। अभी आप स्टॉक्स में और एंजल ब्रोकिंग में फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है। आप स्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन करके एक महीने की फ्री ब्रोकरेज है, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, प्लस और ₹2000 की मनी कंट्रोल की प्रो सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, वहां पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और देन आप हमारे इस प्राइम टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं आफ्टर अकाउंट ओपनिंग। तो अगर देखिए गाइस, यहाँ पे टुडे जो लॉसेस हुआ है, यहाँ पे मुझे 6500 दोबारी पोजीशंस, एक ही बार मैंने पोजीशंस बनाया था, एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी गाइस ओके 7500। तो टुडे जो प्रॉफिट लॉसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जुलाई महीने की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। प्रीवियस फ्राइडे को मैंने वीडियोस नहीं बना पाया, ज्यादा टाइम नहीं मिला था गाइस। यहाँ पे भी 4000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, 4500 और यहाँ पे चार्जेस था, एंड 4900 हमारा टोटल प्रॉफिट ओके। और आज की देखिए, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे 7087 लॉसेस है एंड 6530, तो यहाँ पे कुल लॉसेस यहाँ पे 14117, एंड जो भी चार्जेस लगेगा मुझे पता चल जाएगा शाम को, एंड देन यहाँ पे मैं अपडेट कर देने वाला हूँ। तो गाइस ये था टुडे रिजल्ट ओके, जो भी होगा मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, एंड एंड ऑफ द मंथ फाइनल जो रिजल्ट होगा और मैं वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी शो करा दूंगा गाइस। दैट्स इट। इंटरडे ट्रेडिंग बहुत ही रिस्क होते हैं, तो आप अपना ट्रेडिंग करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें। एंड मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की जो थर्ड वीडियो है, ऑप्शन चेन किस तरह देखे, ऑप्शन चेन को आसान भाषा में समझे, ये देखिए 1 hour 30 minute लॉन्ग वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया थर्ड पार्ट। तो आप अगर ऑप्शन चेन ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे करें, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेशन किस तरह होते हैं, सही जो स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो किस तरह आप चूज कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने फ्राइडे को वीडियो पब्लिश किया था, उसके दौरान मैंने लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। सिंपल आप टेकन फाइनेंस को सर्च करें तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा। प्लीज वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को जरूर शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।